सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, आउटस्टैंडिंग वर्ड भी कम पड़ने लग गया है यहाँ पर अब अवेंजर्स एंड गेम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस देखने के बाद। जी हाँ दोस्तों, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म जिस तरह का परफॉर्म कर रही है, ये फिल्म काफी सारे रिकॉर्ड बना चुकी है और कई सारे रिकॉर्ड और तोड़ने वाली भी है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अवेंजर्स एंड गेम के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में और इसी के साथ जानने वाले हैं इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगाया गया था 26 अप्रैल को और इस फिल्म को मिली थी 2845 स्क्रीन्स। दोस्तों बता दें कि इतने बड़े लेवल की मूवी को इतनी कम स्क्रीन्स मिलना सिर्फ ये भारत में ही हो सकता है कि एक ऐसी फिल्म जिसका इतना क्रेज है कि पब्लिक उसको देखने के लिए मर रही है, उसके बाद भी दोस्तों यहाँ पर काफी कम स्क्रीन्स पर इस फिल्म को लगाया गया है। उसके बाद भी दोस्तों इस फिल्म ने अपने फर्स्ट डे में आउटस्टैंडिंग बिजनेस किया और कमाए 53 करोड़ 10 लाख। वहीं दोस्तों सेकंड डे में भी इस फिल्म ने काफी सारे रिकॉर्ड तोड़े और कमाए 51 करोड़ 40 लाख रुपए। दोस्तों इस फिल्म ने अपने फर्स्ट संडे में कमाए 52 करोड़ 70 लाख रुपए और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने यह प्रूव कर दिया कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपकी फिल्में कम स्क्रीन्स पर भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर सकती है। वहीं दोस्तों इस फिल्म के जो फोर्थ डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थे वो भी काफ़ी अमेजिंग रहे थे, क्योंकि दोस्तों एक वर्किंग डे होने के बाद भी अगर कोई फिल्म 30 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर रही है तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ ही कमाई कही जाती है। और दोस्तों इस फिल्म ने अपने फोर्थ डे में कमाए 31 करोड़ 5 लाख रुपए। वहीं अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म की फिफ्थ डे के बॉक्स ऑफिस की, तो फिफ्थ डे में दोस्तों इस फिल्म ने कमाए हैं 22 करोड़ 30 लाख रुपए। वहीं अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म के सिक्स्थ डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों आज भी इस फिल्म ने काफ़ी अमेजिंग ओपनिंग ली है और इस फिल्म के मॉर्निंग शो दिखा रहे हैं 40 से 45% के, आफ्टरनून शो है 45 से 50% के। वही दोस्तों इवनिंग के शो में इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी दिखा रही है वो काफ़ी अमेजिंग है और यह फिल्म 70 से 75% की ऑक्यूपेंसी इवनिंग में ले सकती है। वहीं नाइट शो इस फिल्म के हाउसफुल जा रहे हैं, इस हिसाब से दोस्तों ये फिल्म अपने छठे दिन कमा सकती है लगभग 25 से 26 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हो चुका होगा 236 करोड़ 70 लाख रुपए। वहीं ग्रॉस कलेक्शन इस फिल्म का हो चुका होगा 280 करोड़ रुपए। वहीं अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म ने डोमेस्टिक यूएसए से कर लिया है 3164 करोड़ रुपए की कमाई। वहीं दोस्तों ओवरसीज से यह फिल्म कमा चुकी है 7350 करोड़ रुपए। इसी के साथ इस फिल्म का जो टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 30 अप्रैल तक वो हो चुका है 10514 करोड़ रुपए, यानी कि 1.5 बिलियन डॉलर। और दोस्तों ये रिकॉर्ड कमाई है जो कि आज तक कोई सी भी फिल्म नहीं कर पाई है। जी हाँ दोस्तों, ये फर्स्ट एवर ऐसी फिल्म है जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने फर्स्ट वीक से पहले ही 10,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है और एक रिकॉर्ड बना दिया है। वही दोस्तों आज के कलेक्शन इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड के भी आउटस्टैंडिंग आने वाले हैं और ये फिल्म आज के दिन में ही 11,000 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी और एक रिकॉर्ड बना देगी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो अपने फर्स्ट वीक का कितना हो सकता है? सो दोस्तों, आपको अवेंजर्स एंड गेम में सबसे अच्छा काम किस सुपर हीरो का लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।